हिमाचल प्रदेश में क्या घोषणाएं की थी, कर्नाटक में क्या घोषणाएं की थी, और अंततो गत्वा किस प्रकार से उनका हश्र, उनका अंजाम नकारात्मक रहा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हुए भी तो इस प्रकार से हुए कि मिलने के बदले देना पड़ा, लेने के बदले देना पड़ा। आप देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जो सबसे बड़ी घोषणा की गई थी राहुल गांधी जी द्वारा और प्रियंका वाड्रा जी द्वारा, वो क्या थी? युवाओं को लेकर थी कि हम सत्ता में आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में 5 लाख युवकों को रोजगार दी जाएगी, 5 लाख युवकों, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 20 हजार नहीं, 25 हजार नहीं, एक साथ 5 लाख युवकों को नौकरी दे दी जाएगी, और वो भी कोई 10-12 कैबिनेट में नहीं, पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी। कुछ नहीं हुआ। कई कैबिनेट की बैठक हो गई, लगभग 11 महीने की सरकार हो गई है, कुछ नहीं हुआ। आज का टैगलाइन है कुछ नहीं हुआ। दूसरी बड़ी घोषणा क्या थी प्रियंका वाड्रा जी द्वारा? प्रियंका जी, आप तो आज पहले हमारा चैलेंज भरतपुर वाला एक्सेप्ट करिए, और ये दूसरा चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने हिमाचल प्रदेश में सीना ठोक के कहा था, आपने सर उठाकर कहा था हिमाचल प्रदेश में कि हम 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मुआवजा देंगे, 1500 रुपए प्रति माह मुआवजा 22 लाख महिलाओं को। लाख तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं, 5 लाख युवक, 22 लाख महिलाएं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 1150 रुपए और 1350 रुपए जो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुआवजा महिलाओं को दे रही थी, जो पेंशन दे रही थी, उसे बढ़ा करके 1500 कर दिया। 1350 तो हम ही दे रहे थे। आपने कहा था अतिरिक्त 22 लाख महिलाओं को आप देंगे 1500 रुपए। क्या हो गया? भुगतान क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। उल्टा 125 यूनिट जो फ्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में दे रही थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्टार्ट करेंगे पहली कैबिनेट की बैठक में, और सब कुछ पहली कैबिनेट की बैठक में ही करने वाले थे। पहली कैबिनेट की बैठक में 680 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी युवाओं को स्टार्टअप में देने वाले थे। अंजाम कुछ नहीं हुआ। और तो और, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी ने कहा था हिमाचल प्रदेश में जाकर के कि मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में हम मुफ्त इलाज पहुंचाएंगे, हर गांव में मोबाइल क्लिनिक जाएगी। पहली कैबिनेट की बैठक में यह पारित हो जाएगी और गांव गांव में जाके मोबाइल यूनिट काम करेगी। अंजाम कुछ नहीं हुआ। एक भी मोबाइल यूनिट, आप यहां मीडिया के सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, एक भी रिकॉर्डिंग करके लाके दिखा दीजिए कि कहीं मोबाइल यूनिट से वहां चिकित्सा चल रहा है। कुछ नहीं हुआ। पशुपालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे, 10 लीटर दूध खरीदेंगे, यह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। गूगल करके अभी निकालिए घोषणा पत्र, हम घोषणा पत्र लेके नहीं आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को हम ना चूते हैं ना उस पर विश्वास करते हैं। आप जरा रिसर्च कर लीजिएगा, लिखा हुआ था पशुपालकों से 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा प्रतिदिन। कुछ नहीं हुआ। मैं तो आज युवकों से कहूंगा, युवकों आज आप ट्विटर में ये हैशटैग चलाइए, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदा जाएगा। ये जो लोग गौवंश के खिलाफ थे, दबाव में आके इन्होंने कहा था दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, उसका भी स्टेटस कुछ नहीं हुआ। ये हिमाचल प्रदेश में स्टेटस है। और तो और, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सक्कू जी, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी और प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कहा था कि 63,000 पद अभी खाली है सरकारी पद,
उसमें 37,000 नए पद जोड़ करके 1,00,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, तत्कालीन दिया जाएगा, जैसे ही हम सरकार में आएंगे तत्क्षणात नौकरी दी जाएगी। स्टेटस कुछ नहीं हुआ, कुल मिलाकर के ये सब कुछ नहीं हुआ कैटेगरी में।